हेलो दोस्तों, कंपार्टमेंट 2022 पे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपार्टमेंट का पेपर। आप लोग का काफी सारे सवाल आ रहे थे कि सर मेरे मैथ में कंपार्टमेंट आ गए हैं, तो मेरे फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गए हैं या फिर SST में कंपार्टमेंट आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको लाइव जो है इस वीडियो में कंपार्टमेंट का पेपर दिखाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे दोस्तों सारी चीजें मैं आप लोग के लिए वन बाई वन करके कंपार्टमेंट पे लेके आऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कंपार्टमेंट का पेपर ईजी आता है या हार्ड आता है, तो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, पूरा कंपार्टमेंट का पेपर दिखाऊंगा, उससे आप लोग खुद जज कर पाएंगे कि पेपर जो है आपका इजी आता है हार्ड आता है। साथ ही साथ और भी कई सारे आपके कंपार्टमेंट से जुड़ी हुई CBSE बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है, तो सारी अपडेट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, आप सभी बच्चों को ऑलरेडी ये पता चल चुका है, CBSE बोर्ड ने बता रखा है कि आपका एग्जाम 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों हम आगे की अपडेट पे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैं पेपर दिखा देता हूं। तो कंपार्टमेंट का पेपर देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है। आप लोग के सवाल थे कि सर कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आता है, हमें बताइए सर कैसा पेपर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कंपार्टमेंट के बच्चों का पेपर है, मैथ स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट के बच्चों का पेपर है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, तो यहां पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं दोस्तों। पेपर का लेवल आपका पूरी कंप्लीटली NCERT पे ही होता है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर दोस्तों 100% पेपर आपका NCERT बुक से ही बनता है। तो यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको NCERT के बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो हम कहें कि पेपर कैसा आता है, इजी आता है, हार्ड आता है। CBSE बोर्ड हमेशा कहती है कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है हम बच्चों के लिए इजी ही बनाते हैं, यानी कि बात करें दोस्तों तो आपका कंपार्टमेंट का पेपर जो इस बार आने वाला है इजी से लेकर एवरेज तक जो है CBSE बोर्ड पेपर बनाती है, हार्ड कभी नहीं बनाई है। तो आप लोग बस अपनी तैयारियों पर फोकस करेंगे दोस्तों, तो आप जो है इजिली कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और इजिली पास हो जाएंगे। मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, आपको और भी कई सारे जो है पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि कंपार्टमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग यहां पे देख सकते हैं एवरी क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट का अलग पेपर बनता है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप पढ़ रहे थे सेम चीजें आपको यहां पर भी यही चीजें पढ़नी है, तो यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट को जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैथ में कंपार्टमेंट है, तो कई के फिजिक्स में है, तो केमिस्ट्री में है, तो कई बच्चों के SST में है। तो आप लोग जो है नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या JEE NEET, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, तो मुझे जो है इजी हो जाएगा आप लोग के लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने में। तो नीचे जरूर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है वन बाई वन करके बात करें दोस्तों, तो आपके कंपार्टमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आप लोग के काफी सारे सवाल हैं कि कब आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। CBSE बोर्ड जो है अभी एक सर्कुलर तैयार कर रही है, क्योंकि वो सर्कुलर में टाइम लग रहा है CBSE बोर्ड को, क्योंकि सर्कुलर में 10 का भी कवर करना है और 12 का भी कवर करना है, और साथ ही साथ CBSE बोर्ड को जो है आपके फीस भी बतानी है कि कितना फीस आपको लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, तो ये सारी चीज आपको बताई जाएगी। तो सर्कुलर जो है दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी रिसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो सर्कुलर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा कैसे फॉर्म भरना है या जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों असल में जो यहां पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, कंपार्टमेंट के बच्चे काफी सारे ये भी पूछ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट का जब एग्जाम हमारा अगस्त में होगा तो हमारे रिजल्ट फिर कब आएंगे। CBSE बोर्ड कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आता है दोस्तों उसमें CBSE बोर्ड ज्यादा टाइम नहीं लेती है। तो जो बच्चे रिजल्ट पूछ रहे हैं कि हमारा कब आएगा, तो दोस्तों आपके अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको सितंबर में ही आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी कि मिड सितंबर से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये CBSE बोर्ड बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दे देगी, और CBSE बोर्ड इसको लेकर दोस्तों और भी कई सारी जानकारी आगे भी देगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है दोस्तों आप लोग कंपार्टमेंट को लेकर बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारियों को करिए दोस्तों, और साथ ही साथ अगर 1, 2 या 3 नंबर से आपके कंपार्टमेंट है तो आप रीचेकिंग के लिए जरूर जरूर अप्लाई करिए, अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके 1, 2 नंबर से कंपार्टमेंट नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों कंपार्टमेंट को लेकर जो है आगे मैं आपको बहुत ही सारा हेल्प करूंगा, तो सारी अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।